खबर नागपुर से है। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है। इसी उपलक्ष्य में आज ओडिशा के पुरी और गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा से पहले मंगला आरती की जाती है। सुबह सोने की झाड़ू लगाकर रथ यात्रा को रवाना कर दिया जाता है। इसी तर्ज पर कुकड़े लेआउट नागपुर स्थित ओडिशा समाज की ओर से पहली बार नागपुर में भी यह उत्सव धूमधाम से मनाया गया। महाप्रभु का रथ यात्रा नागपुर में इस तरह से पहली बार हम लोग करने का आज प्रयास किए। पुरी में जिस तरह से होता है उसी प्रकार से हम लोग यहाँ करने की कोशिश किए। इसमें रथ में भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बड़े भाई भगवान बलभद्र और उनकी बहन माता सुभद्रा, साथ में उनका जो शस्त्र है सुदर्शन, ये चारों को हम लोग नागपुर शहरवासियों से आज परिचय कराएं, आज इनका वहाँ सैर कराएं। और आज बहुत ही पवित्र दिन है उड़िया लोगों के लिए और जगन्नाथ प्रेमी लोगों के लिए पूरा भारतवर्ष में। आप जैसे जानते होंगे पुरी में सैकड़ों साल से प्रथा चलता आ रहा है और पुरी के तौर पर जितने मंदिर जहाँ भी बने हैं जगन्नाथ जी के, हर जगह रथ यात्रा होता है। नागपुर सिर्फ एक ऐसा शहर है जहाँ उड़िया लोगों का काफ़ी तादाद में यहाँ निवास है, फिर भी जगन्नाथ स्वामी का रथ यात्रा इस तरीके से कभी नहीं होता था। तो इस बार पहली बार हम लोग उड़िया समाज की तरफ से भगवान जगन्नाथ को नागपुर वासियों से परिचय कराने के लिए बाहर लेके आज के दिन में उनका रथ यात्रा कराया। और इसमें नागपुर के शहर के लोगों का और लोकल प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला। हजारों लोग आप जैसे देखे हैं तो रथ यात्रा में शामिल हुए। हम इसके लिए सबका आभार प्रकट करते हैं। हमारे कुकड़े लेआउट से जो उड़िया समाज का जगन्नाथ क्षेत्र है यहाँ से निकाल करके और भगवान को करीब 5 किलोमीटर का परिक्रमा करा के फिर हम लोग यहाँ इसका रथ यात्रा समाप्त किया। बहुत सौभाग्य का दिन है कि नागपुर में जगन्नाथ जी और बलभद्र जी और सुभद्रा जी का रथ यात्रा हुआ और आप बाहर देख रहे होंगे सब लोग कितने एक्साइटेड थे, सब लोग कितने खुश थे और एक ऐसा माहौल बन गया था कि सब लोग चारों तरफ जगन्नाथमय हो गया था। और खाली यहाँ पर नहीं, पुरी में भी होती है और पूरा दुनिया भर में रथ यात्रा, जगन्नाथ जी का रथ यात्रा खूब धूमधाम से लोग मनाते हैं और काफ़ी हम लोग क्या बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाते हैं और एक अलग तरह का मतलब श्रद्धा से सब लोग भावविहीन हो जाते हैं, भावपूर्ण हो जाते हैं।